क्या भाजपा का दरवाजा खुलने जा रहा है जो बंद पड़ा था? देखिए, मैंने कहा राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। समय बताएगा कि क्या स्थिति बनती है। हम लोग पल पल की सारी चीजों पर निगाह रखे हुए, बिहार में जो राजनीतिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर पूरी निगाह हमारे केंद्रीय नेतृत्व की है, और इन चीजों के बारे में कोई भी निर्णय जो है वो राज्य पार्टी नहीं करती है, केंद्रीय पार्टी करती है, और केंद्रीय पार्टी जो निर्णय लेगी बिहार बीजेपी उसके साथ खड़ी रहेगी। सुशील जी, क्या दरवाजा खुल गया है? देखिए, बिहार के अंदर जो राजनीतिक परिस्थिति पैदा हो रही है स्थिति पर हम निगाह रखे हुए हैं, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है इन चीजों के बारे में निर्णय लेता है। इसमें राज्य इकाई की कोई भूमिका नहीं है। वो लगातार मीडिया के अंदर जिस तरह की बातें आ रही हैं, सारी चीजों पर हमारी निगाह बनी हुई है, और उचित समय पर पार्टी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उचित निर्णय लेगी। मंत्री नीतीश कुमार क्या रहेंगे सर, या कुछ जो बातें हो रही थी? देखिए, वो मुझे नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे। मैंने आज दिल्ली में भी कहा था कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तीसरी है तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं अभी सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ, तो पटना के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसकी जानकारी मुझे टीवी के माध्यम से सर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। क्या परिस्थिति बनती है, बीजेपी क्या निर्णय लेती है उस बदली हुई परिस्थिति में, वो समय आने पर उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। मोदी जी, क्या अब दरवाजा खुलने का समय आ चुका है? मुझे पता नहीं समय आ चुका कि नहीं आ चुका, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है, आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है। तब क्या स्थिति बनती है, क्या स्थिति बनेगी, वो समय बताएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए सारी चीजों का। बिहार में भी क्या सर विधायकों को छोड़ने की कोशिश होगी सर? नहीं, मेरे तो कुछ भी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं विधायक थोड़ी हूँ, मैं तो राज्यसभा के अंदर हूँ। लेकिन ये सब तो आगे की बात है, मीडिया स्पेकुलेट करता रहता है। उसे मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या परिस्थिति बनती है उसको देखकर केंद्रीय नेतृत्व जो है और योग्य निर्णय लेगा, और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम लोग उस निर्णय का समर्थन करेंगे।